हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कैसे आप अपने घर की जो इन्वर्टर बैटरी है उसे आप चेक कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आपकी बैटरी खराब है या सही है। बात जानेंगे कैसे आप अपनी बैटरी को चेक कर सकते हैं। तो इसके काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे जनरली दो मेथड्स का प्रयोग करेंगे। एक हम मल्टीमीटर से उसकी पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे एंड देन हम हाइड्रोमीटर से भी चेक करके देखेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोमीटर से चेक करेंगे एंड देन पोटेंशियोमीटर पर चलेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों से ही हम अपनी बैटरी को चेक करके दिखाएंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियोमीटर और हाइड्रोमीटर में क्या डिफरेंस है। तो दोनों से ही हम बैटरी चेक कर रहे हैं, बट जो पोटेंशियोमीटर होता है काफ़ी आसान होता है बैटरी चेक करना। पोटेंशियल चेक कर लिया और काफ़ी आसान है, पता चल गया हमें, बट हम फिर भी हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं। तो आपको सिंपल एक क्लियर कट हिसाब बता दूं आपको, मतलब ज़्यादा डीप तो हम नहीं जाएंगे, बट सिंपल एक बात आप समझ लीजिए। जो हाइड्रोमीटर है वो प्रत्येक सेल, जो हमारी जो लेड एसिड बैटरी घरों में जनरली प्रयोग करते हैं, तो इसमें 6 सेल्स का उपयोग किया जाता है। 6 सेल होते हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है, 6 सेल होते हैं। तो उनकी प्रत्येक की जो उसके अंदर एसिड डला होता है H2SO4, तो उसकी हम ग्रेविटी चेक करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सेल डैमेज है और कौन से सेल सही चल रहे हैं, ठीक है। एंड जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो पूरी ओवरऑल बैटरी की पोटेंशियल चेक करके हमको दिखाता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है पोटेंशियोमीटर एंड हाइड्रोमीटर में, ठीक है। तो ज़्यादा एक टेबल देख पा रहे हैं, 1.25 से अबव होगा अगर तो वो 100%, मतलब चार्जिंग 100% होगी हमारी बैटरी की, एंड 1.25 और एंड 1.215 एंड 1.235 के बीच में होगा तो 75% हमारी बैटरी चार्ज होगी, एंड 1.18 से लेके 1.22 के बीच में अगर हमारा जो ग्रेविटी होगी तो वो 50% चार्ज होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.110 से लेके 1.130, ठीक है, इतनी होगी तो हमारी 0% जो है बैटरी चार्ज होगी। तो यहाँ पे चली जाती है बात, तो मतलब बैटरी डैमेज ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसे उठा सकते, अलग से एक चार्जर आता है, हालांकि वहाँ से उठा सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि वो वर्क कर भी जाता है, मतलब हमारी बैटरी चार्ज हो भी जाती है, पुश पुल अप हो भी जाती है, मतलब एक बार उठ जाती है, बट हर बार हर एक में ऐसा नहीं देखा जाता। तो कई बार हो भी सकती है वो सही, कई बार नहीं भी हो सकती, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं, मैं चेक करता रहूँगा आपको एंड बताता रहूँगा। तो चलिए हम सीधा हमारा हाइड्रोमीटर की रीडिंग दिखाते हैं एंड देन बैटरी पर चलते हैं और देख। देखते हैं कि कैसे आप अपनी बैटरी को चेक करेंगे हाइड्रोमीटर से। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे जो ये यहाँ पे ट्यूब टाइप आपको नज़र आ रहा है, यही हमारा हाइड्रोमीटर कहलाता है, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर पे यहाँ पे ये जो रबर का लगा होता है इसे हम दबाते हैं एंड ये आगे की जो पाइप है इसको हम अपने सेल में डुबोते हैं और इसे हम ऐसे छोड़ देते हैं। इसके अंदर पानी भर जाता है, मतलब जो इसके अंदर एसिड होता है वो भर जाता है और ये अंदर का फ्लोटर होता है ये फ्लोट करने लग जाता है और इसके ऊपर जो रीडिंग्स हैं वो हमें शो कर देती हैं कि उसकी स्पेशल ग्रेविटी कितनी है, ठीक है, उसकी ग्रेविटी कितनी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1100 लिखा हुआ है, ठीक है, 1100, और ये सबसे नीचे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे 1300 लिखा हुआ है, ठीक है, बीच में कुछ रीडिंग्स है और रेड कलर पे यहाँ पे 1200 लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बीच में 20, 40, 60, 80, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये 1200 वगैरह कुछ नहीं है, ये जो 1100 लिखा हुआ है सबसे ऊपर इसका मतलब है 1.100 और 2, जैसे 20 है तो इसमें 20 ऐड कर दीजिए, मतलब पॉइंट के बाद ये जो पीछे 20 है, जैसे 1100 में पीछे 20 है तो यहाँ पे 1120 हो जाएगा अगर 20 पे होगी हमारी रीडिंग, ठीक है। तो ऐसे हम रीड करेंगे सभी को, अगर डायरेक्ट हम चेक करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं और अच्छे से आपको समझाने लग गया तो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारे बैटरी पर और देखते हैं इसकी ग्रेविटी कितनी है। तो गाइस ये हमारी बैटरी है, काफ़ी खस्ता हालत में है, बट चेक करने से पहले अभी आपको एक टिप्स दे देता हूँ। जैसे ये हमारा टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे ये कुछ देखिए जम गया है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होने देना है आपको। ये जो कार्बन जम गया है इससे हमारी बैटरी की लाइफ है जो कम हो जाती है, और ये देखिए जहाँ पे गिल्ला हुआ है सारा गिल्ला है,
तो ये भी काफ़ी गलत है, ये हमारा पानी निकल रहा है इसके अंदर से। तो मेरी बैटरी की हालत शुरुआत से लेंगे हम, पॉजिटिव साइड से ले रहा हूँ मैं, आप नेगेटिव साइड से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेना है, एंड अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, एंड ओपन कर चुका हूँ। अभी आपको ये लेना है और इसे ऐसे दबा देना है, ठीक है। दबा दिया है मैंने, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पाइप को अंदर डालना है, और अभी इसको ऊपर से ऐसे छोड़ देना है। जैसे छोड़ूंगा देखिए यहाँ पे पानी आ रहा है, मतलब ये जो एसिड है हमारा इसके अंदर भर रहा है, और अभी देख सकते हैं आप फ्लोट करने लग गया है। अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ और आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। 1.220, ठीक है, इसकी ग्रेविटी 1.220 है, तो कोई घबरा, 5% चार्ज है। तो अभी हमने एक एक करके सारे सेल्स की चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, एक एक करके सभी की इसके आसपास आ रही है तो बता दूं कि वो सही है हमारी बैटरी, उसको बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी कम ज़्यादा आ रही है, जैसे इस सेल की काफ़ी कम आ गई, तो मतलब कम उसमें रेड लिस्ट में आ गई, तो मतलब ये सेल हमारा डैमेज हो चुका है। तो उसके दो रीजन्स हो सकते हैं, जैसे आप पानी चेंज करके देख लीजिए, क्योंकि बाहर से पानी मिलता है इन्वर्टर का, 38% कंसंट्रेटेड H2SO4 का जो पानी होता है, H2SO4 जो हमारा एसिड है, ठीक है, वही पानी हमको यूज़ करना है। तो हमें घर का पानी यूज़ नहीं करना है, उससे हमारी बैटरी जल्दी डैमेज होगी, ठीक है। तो ये कम नहीं रहने देने यार, और ज़्यादा भी नहीं भरना है पानी को, ओवरफ्लो भी नहीं कराना है, तो ग्रीन तक ही आना चाहिए, ज़्यादा ओवरफ्लो मत कराना, ठीक है। जो ये दो टिप्स थी, अगर हाँ एक और बता दूँ कि इसको पानी को बिल्कुल निकाल के चेंज कर दोगे आप, तो हो सकता है कि वो भी चल जाए कई बार, लेकिन ऐसा कोई मतलब साइंटिफिक प्रूफ नहीं है उस चीज़ का। तो यही दो मेथड से अगर आपके सेल डेड हो गया है, तो यही दो तरीके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसके साथ देख लिया, हमारे हाइड्रोमीटर के साथ मैंने एक करके दिखाई है, आप सारी चेक कर सकते हैं। अभी हम पोटेंशियोमीटर पर चलते हैं और देखते हैं फिर। तो भाइयों अभी हम पोटेंशियोमीटर का उपयोग करेंगे, हालांकि मेरे पास पोटेंशियोमीटर नहीं है, तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे, एंड देन हम उसके जो ओवरऑल पोटेंशियल है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप एक रीडिंग देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो टेबल है आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 12.73 मतलब इसके करीब करीब आ जाती है, 12.7 के करीब हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है बैटरी का, तो हम मानेंगे कि वो 100% चार्ज है। अगर 12.6 आती है तो वो 90% है, 12.5 आती है तो वो 80%, ऐसे आप देख सकते हैं। अगर 11.5 के पास चली जाती है पोटेंशियल डिफरेंस, तो 10% चार्ज है। इस जोन में जाके बैटरी डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पहले बता दिया है कि एक अलग से चार्जर है, वो आपको चार्ज करानी पड़ेगी बाहर से, ठीक है। तो गाइस इसको मल्टीमीटर कहते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये है मेरा मल्टीमीटर, यह सब पोटेंशियोमीटर काम करता है, डीसी एसी, एंड यहाँ से हम करंट चेक कर सकते हैं, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, ये बीप साउंड होगी और ये रेजिस्टेंस का हो गया, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए सालों साल आप, जैसे ये बीच का है तो इससे हम रीडिंग चेंज कर सकते हैं आपको, जैसे यहाँ पे एसी डीसी पे लेके आने, तो सबसे पहले आप इंश्योर कर लेना कि आपका ठीक है। तो यहाँ पे 1.2 आ सकता है पीछे, तो उसकी कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत टॉलरेंस आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे ठीक ही काम कर रहा है। आपको श्योर कर लेना है कि आपका मीटर भी ठीक ही काम कर रहा हो। ये माइनस आ रहा है तो मतलब अगर हम लगाओगे अलग उल्ट लगा दोगे, अगर नेगेटिव में पॉजिटिव लगा दोगे तो ये माइनस यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो और कहीं मत लेना, करंट पे मत ले जाना भाई, ठीक है, तो आपका मीटर ख़राब हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ये रख लिया है। तो भाई यार जो ये हमारे पास ये वायर हैं इसकी, तो इनको पॉजिटिव नेगेटिव में ही लगाना, वो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको अटैच करूँगा और पॉजिटिव को यहाँ पे, अब पहले एक बात इंश्योर कर लेना कि कोई कार्बन वगैरह ना लगाओ, और ये अच्छे से इसके साथ अटैच हो जाए तो ये अच्छे से काम करेगा और अच्छे से आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, ठीक है। तो अभी मैं लगा दे, तो मैंने यहाँ पे ये जो नेगेटिव है वो तो अटैच कर दिया अच्छी तरह, अभी पॉजिटिव अटैच आपके सामने ही करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो अच्छे से लगाना है और देन हमें पोटेंशियल चेक करना है। तो देख लीजिए आप, तो मेरा देख लीजिए आप, लगभग 14 वोल्ट दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट ये 14 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरी लाइट आई हुई है,
और लाइट नहीं आई होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप बैटरी की ये चेक कर सकते हो। तो यार आप यहाँ पे ये वायर भी हटा के चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई मेरा कनेक्शन, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट की हुई है, तो यहाँ से यार मैं अभी लाइन भी नहीं कट कर सकता, आपको दिखा सकता, एंड दोबारा चेक करते हैं। तो यार फाइनली गाइज आपके लिए मैंने ये भी हटा दिया है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे वायर हटा दिया मैंने। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि बहुत सारे बच्चों का मिथ होगा कि हम इन दोनों टर्मिनल्स के इकट्ठे हाथ लगा ले तो करंट लग जाएगा। दोनों के हाथ लगा रहा हूँ बिल्कुल अच्छी तरह, और यहाँ पे आप इन्वर्टर की वायर के भी लगा सकते हैं हाथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं करंट मारेगी, तो करंट नहीं मारेगी भाई, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है बिल्कुल। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी है तो आपको करंट नहीं लगेगा, आप बेझिझक होके हाथ लगा सकते हैं। अभी हमने वायर हटा लिया आपके लिए, तो अभी हम वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.13.1, तो आप देख सकते हैं मेरी बैटरी फुल चार्ज है। और And two or more batteries in series and parallel. First of all, we have required some tools. It is combination pliers, screwdrivers, testers, and two number key. This is battery. It has two terminals, positive terminals and negative terminals. Two terminals. इस battery के two terminals हैं. एक positive terminals और दूसरा negative terminals. ये हमारे पास इन्वर्टर विद चार्जर है, इसमें दो लीड हैं लगी हुई है चार्जर की, एक रेड कलर की है, इसको हम पॉजिटिव लीड मानेंगे, ये एक दूसरी है नेगेटिव लीड है जिसको हम ब्लैक कलर की लगाएंगे। तो हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट यूज कर देंगे, पॉजिटिव को रेड कलर की लीड को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट यूज कर देंगे, और जो ब्लैक कलर की लीड है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्शन अच्छी तरह से टाइट होने चाहिए। हमारे पास ये बैटरी चार्जर की लीड है सप्लाई के लिए, ये सिंगल फेज सप्लाई है, इसको हम यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से ऑन कर देंगे, जिससे हमारे पास आगे इंडिकेशन आ जाएगा लाइट का। ऐसे ही हम इसको अब सिंगल फेज सप्लाई इससे ले सकते हैं चार्जर इन्वर्टर से, ये हमारे पास एक लैंप होल्डर है जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से इसको सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। देखो ये लाइट ऑन हो गई है जिससे हमारे पास इसकी आउटपुट मिल गई है। तो इस प्रकार हम एक बैटरी को इन्वर्टर विद चार्जर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास